डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पेज 7 के 4-4 लाइंस की रीडिंग की थी, ठीक है। आज हम चैप्टर 2 फुल पेज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ अ यॉच, ये किश्ती है। द यॉच इज़ फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन तैरना, किश्ती तैर रही है। दिस इज़ अ हेलीकॉप्टर, ये एक हेलीकॉप्टर है। द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। हेलीकॉप्टर क्या है? जहाज़ उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। दोज आर बर्ड्स, वो परिंदे हैं, ठीक है। बर्ड्स दूर है ना, दोज किसके लिए यूज़ होगा? कोई भी चीज़ दूर होगी उसके लिए दोज यूज़ होगा। वो परिंदे हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग, परिंदे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है दोज आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वो बच्चे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लेइंग मीन खेलना, बच्चे खेल रहे हैं। दैट इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। द डॉग इज़ बार्किंग, बार्किंग का मीन क्या है? भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। हमारी पेज 7 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने अपनी वर्कबुक ओपन करनी है, ठीक है। डेट मेंशन करनी है आपने 10/6/2020, डे मेंशन करना है वेडनेसडे, ठीक है। राइट द ग्रास लेटर एंड कलर, आपने ग्रास लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर आपने ये जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसमें कलरिंग करनी है। ACE ग्रास लेटर कौन से होते हैं? जो मिड वाली 2 लाइन्स होती हैं उन पर आते हैं, ठीक है। ACEIMNO। नेक्स्ट है RSUVWX, ठीक है। ये आपने वर्कबुक का पेज कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने अपनी नीट कॉपीज ओपन करनी है, ठीक है। वहाँ पे भी आपने डेट लिखनी है 10/6/2020, क्लास वर्क वेडनेसडे। क्वेश्चन है राइट द ग्रास लेटर्स, ग्रास लेटर आपने लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी वर्कबुक पर लिखे हैं वैसे ही आपने अपनी कॉपीज पर भी लिखने हैं। ACEIMNORSUVWXE आपने नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है, अपनी कॉपीज पर। ना इसका ध्यान रख के, ठीक है।